नमस्कार साथियों, दैनिक भास्कर जयपुर मंगलवार 1 फरवरी 2022 के पेपर की न्यूज है। आज जबरदस्त न्यूज खुशखबरी के साथ आई है। आप क्या चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय विनायक सफलता स्टडी न्यूज में आप कमेंट अवश्य करें ताकि हमें पता चल सके कि आपकी क्या राय है। तो आप कमेंट अवश्य करें। 16 साल 4 सरकारें फिर भी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय नहीं। अब पुराने पैटर्न पर हो सकती है शिक्षक भर्ती। साथियों, पुराने पैटर्न पर हो सकती है शिक्षक भर्ती जो कि 2011 में होती थी। पिछले 16 साल में प्रदेश में 4 सरकारें बन गई। लेकिन अब तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का कोई एक पैटर्न तय नहीं हो पाया। सरकार बदलने के साथ ही शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलता जाता है। इस बार राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट पेपर लीक के बाद एक बार फिर शिक्षक भर्ती का पैटर्न बदलने की तैयारी है, जो कि विषय के अनुसार पेपर होगा या हो सकता है इस भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं, जो कि 2018 से यह भर्ती चल रही है और 2022 शुरू होने वाली है। पूरी 4 वर्ष निकल चुके हैं लेकिन सरकार तृतीय शिक्षक भर्ती को पूर्ण नहीं कर सकी है। अब या तो रद्द हो या पात्रता परीक्षा होके पेपर के विषय के अनुसार पेपर होना चाहिए। पुराने पैटर्न पर ही शिक्षक भर्ती हो सकती है। सरकार रीट के बाद शिक्षक भर्ती के लिए एक और परीक्षा का आयोजन कर सकती है। रीट को केवल पात्रता परीक्षा ही रखा जा सकता है। यह एक्सपर्टों की राय है। अभी वीडियो में अंत में आपको मैं बताऊंगा कि किन लोगों की राय है। सरकार बदलने के साथ ही इस तरह बदलता रहा शिक्षक भर्ती का पैटर्न। 2003 से 2022 तक बदलते हुए पैटर्न के बारे में बता रहा हूं साथियों में। अब आपको वर्ष 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार 2003 से 2008 तक भाजपा सरकार के बारे में भाजपा सरकार जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कराई थी। 2003 से 2008 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये भर्ती करवाई गई थी। शिक्षक भर्ती कराई गई थी वर्ष 2006 और 2008 में करीब 55,000 पदों पर बंपर भर्ती हुई थी। साथियों, 55,000 पर भर्ती की गई। वर्ष 2008 से 2013 तक कांग्रेस सरकार इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी होने का नियम लागू किया। सरकार ने दो बार 2011 व 2012 में आरटेट का आयोजन किया। आरटेट के बाद सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए अलग से भर्ती परीक्षा कराई। 2012 से 12 में 40,000 और वर्ष 2013 से 13 में 20,000 पदों पर भर्ती की गई थी। 2013 में 20,000 पदों पर भर्ती की गई। इसके बाद में देखते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि रीट से संबंधित और राजस्थान की सभी भर्तियों के से संबंधित न्यूज इस चैनल पर आती रहती हैं। वर्ष 2013 से 18 तक भाजपा सरकार रही। सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम ही बदल दिया। आरटेट से बदलकर रीट नाम कर दिया। साथियों, रीट के बाद अलग से शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान खत्म कर दिया। 2016 में 15,000 और 2018 में 54,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। वर्ष 2018 से अब तक सरकार ने 2021 में शिक्षक भर्ती के लिए रीट का आयोजन किया। इसमें पेपर लीक की घटना के बारे में अभी आपको बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही हैं। इन खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सरकार की काफी किरकिरी हुई है, साथ ही कई विकेट गिर चुके हैं, लेकिन फिर भी सरकार के कानों में
जू तक नहीं रेंग रही है। साथियों, सरकार ने इस कार्यकाल में पहली बार वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक के 32,000 पदों पर भर्ती निकाली है। अब एक्सपर्टों की राय है कि इस भर्ती को, जो कि एक्सपर्ट देखिए नंद सिंह नरुका हैं, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी सेवा चयन बोर्ड के, इनकी राय है कि शिक्षक भर्ती को जो रीट हुई है उसे पात्रता घोषित करके विषय के अनुसार अलग से पेपर लिया जाना तय कर दिया जाए तो यह भर्ती हो सकती है। और इस भर्ती में जो पेपर लीक होने की पूर्ण जो गेंगे हैं उन गेंगों के ऊपर पूर्ण कार्रवाई की जानी चाहिए। कम से कम 10 वर्ष का इनके ऊपर जो जेल का प्रावधान है वो जेल का प्रावधान होना चाहिए और इनकी पूर्ण संपत्ति को लोक किया जाना चाहिए। राधे राधे।